मंगनी की दावत में जा सकते हैं क्या? मंगनी बोले तो वो लोग की, अभी दूसरों दोनों आपस में खुशी से जो कर लेते हैं, किसी का कोई डिमांड इसमें वो कुछ नहीं है, तो आप लोग करना इतने लोगों की दावत ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो क्या मंगनी की दावत में जा सकते हैं हम दावत खाने पे? देखिए, कोई भी मुसलमान अगर आपकी दावत कर रहा है किसी भी मुनासिबत से, अगर उसके अंदर, उस दावत के अंदर या उस मुनासिबत के अंदर कोई शरई महजूर, शरई ममानियत, शरई रुकावट नहीं है, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब आप जो मंगनी के बारे में पूछ रही हैं, अगर उस मंगनी की दावत में कोई, दोनों तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और बरेजा और रगबत हो रही है और शरीयत के किसी उसूल की पामाली नहीं हो रही है उसमें, तो उसमें आप जा सकते हैं, बल्कि आपको जाना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम भाई आपको दावत दे तो आपको जाना चाहिए उसमें, जी आपको जी इंशाल्लाह उस पर अजर मिलेगा। बस इस बात का ख्याल रहे कि एक तो जो भी दावत हो रही है वो मुनासिबत, गैर शरई मुनासिबत ना हो, ऐसा ना, जैसे जी बहुत सारी मुनासिबत ऐसी हैं, दावतें जो जिनको दीन का हिस्सा बना दिया है लोगों ने, उनका ताल्लुक रस्मो रिवाज से नहीं रह गया है, बाकायदा वो मुनासिबत बन गई है, दीन का हिस्सा बन गई है, तो ऐसी दावत जी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आम रस्मो रिवाज वाली दावत है तो उसके अंदर कोई शरई महजूर और कबाहत ना हो तो उसमें जा सकते हैं। शरई कबाहत जैसे कि मगनी और शादी के मुनासिबत से जो एक दूसरे की तरफ से जोर जबरदस्ती दावत करने पर मजबूर किया जाता है, तो गलत है, वहां पे नहीं जाना चाहिए। या जी मिसाल के तौर पर उन दावतों में जो है बेपर्दगी हो रही है या कोई भी जो है शरई मुखालफत हो रही है, तो ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। और अगर आप जा भी रहे हैं तो आपका मकसद यह होना चाहिए कि वहां पे जाके आप इनकार मुनकर करेंगे, आप अगर नहीं कर सकते तो आपको नहीं जाना चाहिए, वरना आम हालात में ये जो दावतें हैं एक दूसरे के यहाँ आना जाना, इनका ताल्लुक उर्फ और आदत से है और उर्फ और आदात के अंदर असल जवाज है। अल असलो फिल अशिया अल इबाहा, हमारी शरीयत के अंदर कायदा है कि अगर किसी चीज का ताल्लुक आदात से है, आराम से है, समाज और मुआशरे के अंदर राइज चीजों से है और उसके अंदर कोई शरई कबाहत नहीं है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।